नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में झारखंड के लोहरदगा में गुरुवार को बीजेपी ने सीएए के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान रैली पर कुछ लोगों ने पथराव किया और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। पथराव के बाद पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें पुलिस के कई जवान भी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एहतियातन शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया है। पुलिस पूरे मामले में कड़ी नजर बनाए हुए है। कर्फ्यू लागू होने के बाद भी उपद्रवी तत्व लगातार हमला करते रहे। जिस ओर पुलिस की मौजूदगी नहीं है, उस ओर हमलावर दुकानें लूटते रहे। दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, कई दुकानों में आग तक लगा दी गई है। खबरों के मुताबिक सीएए के समर्थन में वीएचपी और बीजेपी के रैली के बारे में लोगों को पहले से ही जानकारी थी। एक विशेष समुदाय के लोग इस पर हमला करने के लिए पहले से ही तैयारी में थे। फिलहाल शहर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पुलिस ने नियंत्रण की हुई है। न्यूज़ डेस्क।